और यहाँ पर ट्रेडिशनल जो बताओ, तो ये जगह का नाम भी मालूम नहीं है लेकिन प्लेस बहुत अच्छा। लगभग 1 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चलाते चलाते आए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग आधा कुछ शिमला में ही पहुंच गए। और ये जो क्षेत्र है हाथी रिजर्व क्षेत्र में आता है। फिर से यहाँ पर कोरबा खनन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। यह पर्यावरण बचाना है कि धूल दस्त और राखड़ खाना है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं फिलहाल फिर से आ चुका हूँ जसपुर जाने के बाद अब कोरबा सिटी में हूँ। और मेरे साथ अभी प्रभात भाई है, अपना पर्रा भाई प्रवीण, अपना सुभाष भाई और सुमन भाई साथ में है। और हम लोग अभी फिलहाल घर से निकलने के बाद हम लोग बालकों में हैं, बालकों यहाँ पर चौक में, और हम लोग जा रहे हैं कॉफी पॉइंट। और लगभग अभी बरसात का टाइम चालू भी हो चुका है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि फोटो उठाए जो बरसात में पहले महीने में हम लोग उठाते हैं, तो वो देखते हैं कि आज हम लोग को फोटो मिलता है कि मिलता है। और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वहाँ का बहुत ही अच्छा जगह सीन है, सीनरी है। कॉफी पॉइंट से आगे जा रहे जंगल की ओर, जंगल का नज़ारा दिखाते हैं कि ऊपर कोरबा एरिया का जंगल फॉरेस्ट कॉफी पॉइंट कैसा है। तो फिलहाल चलते हैं देरी ना करते हुए कॉफी पॉइंट। कॉफी पॉइंट बेरिया से आगे आने के बाद यहाँ देख रहे हो हाथी नेमरू रिजर्व क्षेत्र, आपका स्वागत करता। और आगे की ओर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से अपना कॉफी पॉइंट है, कॉफी पॉइंट से जस्ट थोड़ी देर आगे जाएंगे अपनी। मतलब कोरबा का जंगल जो है काफी सुंदर है, और ये जो जंगल है और मेन जहाँ अपना कॉफी पॉइंट जो एरिया बोलते घूमने वाला पॉइंट है, इसी रोड में जाते हैं और आगे चलते हैं इससे आगे। और ये जो क्षेत्र है हाथी रिजर्व क्षेत्र में आता है, जो कि लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र यहीं से स्टार्ट होता है और कॉफी पॉइंट के बाद और घना जंगल चालू हो जाता है। बोर्ड में देख सकते हैं लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र आपका स्वागत करता है। और कॉफी पॉइंट होते हुए हम लोग लेमरू कोर जाएंगे। दोस्तों हम लोग कॉफी पॉइंट पहुंच गए हैं और पीछे और आगे जा रहे हैं, काफी अच्छा जंगल है और हम लोग काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। नीचे में आप लोग देख सकते हो बांस और पीछे का जंगल पहाड़ काफी सुंदर लग रहा है। और जंगल यहाँ देख रहे हो काफी ठंड भरा और काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ का जो मौसम है वातावरण है काफी अच्छा लग रहा है। और बादल अभी छा गया है तो हम लोग आगे चलते हैं और नजारा दिखाते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं हम लोग खुद का पहाड़ की ओर आगे आए हैं। और यहाँ पर 13 किलोमीटर मैं पहले आता था तो इस टाइप का रोड बना नहीं हुआ था। फिर से यहाँ पर कोरबा खनन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जैसे अभी हम लोग सेव हसदेव करके अपना जो परियोजना में जो बचा रहे थे, फिर से ये काम यहाँ चालू हो चुका है। जैसे बालकों में यहाँ पर अपना एल्युमिनियम निकाला जाता था, बॉक्साइट जो पत्थर है उसी रोड में है, और फिर से यहाँ कुछ काम चालू हो चुका। और ये ऐसा रोड साफ सुथरा, मैं बहुत दिनों के बाद नहीं आ रहा हूँ, मैं कुछ महीनों के बाद ही यहाँ आ रहा हूँ। कुछ महीनों में इतना अच्छा रोड बन गया और यहाँ पर बैरियर लगा दिया गया और यहाँ आगे हम लोग जा सकते थे। कुछ तो खनन की प्रक्रिया फिर से चालू होने वाला है। देख सकते हो आपको जंगल बचाना है और या पर्यावरण बचाना है कि धूल दस्त और राखड़ खाना है, तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। कॉफी पॉइंट से आगे आने के बाद टाइगर पॉइंट पहुंचे और काफी अच्छा नजारा है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है पहाड़ है काफी सुंदर लग रहा है। चलते हैं, हमारे दोस्तों भी रुक गए हैं भाई लोग, और हम लोग छोटा मोटा फोटो शूट करवा लेते हैं। काफी अच्छा जगह है और ये बरसात के मौसम में आए हुए हैं तो काफी हरा भरा जंगल लग रहा है। और यहाँ फोटो शूट करवाने के बाद हम लोग जाएंगे फिर नीचे की ओर और नीचे का नजारा देखते हैं कैसा है यहाँ का जंगल, काफी सुंदर लग रहा है।
ऐसा लग रहा है कि हम लोग आधा कुछ शिमला में ही पहुंच गए। देखो स्टेप बाय स्टेप अपना पहाड़ दिख, बरसात स्टार्ट ही हुआ, धीरे धीरे हरे भरे हो गए और गर्मी टाइम में काफी सूख गए थे पेड़। और अब यहाँ टाइगर पॉइंट, कॉफी पॉइंट, जो यहाँ जंगलों का जो नजारा है ना, देख सकते हो देवपहरी यहाँ से 13 किलोमीटर है, लेमरू 10 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो माइलस्टोन है इसके नीचे में एक जो नदी गया हुआ, मैं भी तो गया नहीं हूँ और फ्रेंड लोगों के साथ हम लोग सब कोई यहाँ पर नए हैं, एक हिसाब से इधर गए नहीं है, तो हम लोग क्यों नया जगह हम लोग जाके देखते हैं कि यहाँ नदी जो नहर है कैसा दिखता है। फिलहाल हम अंदर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। और यहाँ पर माइलस्टोन में आप लोग देख सकते हैं बालको यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो हम लोग देरी ना करते हुए आगे चलते हैं क्योंकि बहुत लेट चल रहे हैं, धूप भी हो जा रहा है, तो हम चलते हैं नीचे। जैसे दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं और पीछे में हम लोग गाड़ी खड़ा करने के बाद ये नहर यहाँ पर रुक गए हैं, काफी अंदर में जगह बहुत दूर तक है, लगभग 1 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चलाते चलाते आए हैं। और यहाँ का छोटा सा झरना है, जो अभी बरसात जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है तो इतना ज़्यादा पानी है, और बरसात जब यहाँ आ जाएगा तब कितने ज़्यादा पानी होंगे। और काफ़ी साफ पानी लग रहा है यहाँ से, पीछे का नज़ारा काफ़ी सुंदर जगह है, और इस जगह का नाम क्या है मैं भी नहीं जान रहा हूँ। और पीछे का यहाँ पर से रेत देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ का व्यू नज़ारा दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर पीछे का पहाड़, जो हम लोग टाइगर पॉइंट वाले जो आए उसके हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। और यहाँ का जो पानी है काफ़ी साफ दिख रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए स्टॉप डैम टाइप का बना दिया गया, काफ़ी सुंदर जगह, काफ़ी अनसीन प्लेस में हम लोग पहुँच गए हैं। तो अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा। कभी आए थे प्रवीण इतना यहाँ पर लेमरू आप आते रहते हो? मैं भी आया हूँ, इस इलाके में कभी नहीं आया। और प्रभात आप बताओगे, आप तो इस एरिया में पहले ही चाहे, तो कैसा लग रहा है? मेरे पास बारे में मैं यहाँ कभी नहीं आया था, पहली बार आया हूँ, और मेरे को तो इस जगह का नाम भी मालूम नहीं है, लेकिन प्लेस बहुत अच्छा। हाँ नाम तो मुझे भी नहीं पता, मगर काफी अच्छा जगह लग रहा है ना, बस पानी ठंडा, नॉर्मली पिकनिक बनाने हम लोग आ सकते, बेहतरीन जगह है। मगर बरसात अभी जैसा सा अब आते जाएगा तो ये आप लोग देख रहे हो ये और ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएंगे, और क्योंकि देख सकते हो यहाँ रेती यहाँ ऊपर ऊपर तक है, तो काफी ऊपर ऊपर तक यहाँ पानी भर जाता है। और पीछे का नज़ारा देख रहे हो, गांव वाले हमें मिल के स्टॉप डैम टाइप थोड़ा रोके हुए हैं पानी, और ये रुकते रुकते काफी अच्छा लग रहा है। और भाई लोग यहाँ पहुंचते साथ ही हाथ पैर चेहरा सब धोना चालू हो गया है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपना नाश्ता लेके हैं, और यहाँ पर ट्रेडिशनल जो गांव की तरह होता है पॉलीथीन को अपन लेके जाएंगे, और यहाँ जो पत्ता है इसमें हम लोग दोना बना लिए हैं, मैं चटनी ले लिया हूँ, सब कोई पत्ता दोना लेते हैं, फिर उसका यहाँ का व्यू नज़ारा दिखाते हैं, फिर खाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग घूमते घूमते यहाँ तक देवपहरी तक पहुँच गए और लेमरू तक गए, तो अब आज हम लोग को फोटो नहीं मिल पाया, और हम लोग घूमते घूमते और भरी बरसात में अभी लगभग बज गए हैं 4:30, और हम लोग पहुँच गए काफ़ी अच्छा जगह में देवपहरी। देवपहरी काफ़ी अच्छा जगह है, और हल्की हल्की बरसात हो रही है, हम लोग आज फोटो नहीं मिल पाया, सब कोई भाई लोग यहाँ हैं, निराश तो नहीं है मगर बहुत इंजॉयमेंट करते हुए हम लोग यहाँ बस आए। और हम लोग बारिश में हल्का हल्का भींगे हुए हैं, और काफी मजा आया यहाँ पर, और हम लोग पहुँच गए देवपहरी। देवपहरी के बाद डायरेक्ट हम लोग घर जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है। हाँ भाई जैसा कि बोल रहा है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो पसंद आता है तो भी, नहीं आता तो भी लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बनाए। विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय गुरबा।